हमने पिछले दिनों आपको एक वीडियो में एक किस्सा सुनाया था जिसमें हमने दाऊद इब्राहिम और वसई विरार के भाई ठाकुर का जिक्र किया था। उसके बाद आप लोगों ने हमें कमेंट में रिक्वेस्ट किया कि हम आपको भाई ठाकुर की पूरी कहानी सुनाए, तो चलिए आज हम आप लोगों को भाई ठाकुर की पूरी कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। भाई ठाकुर का जन्म साल 1953 के मुंबई के पश्चिमी सबअर्ब वसई में हुआ था। उनका असली नाम जयेंद्र ठाकुर है। उनके पिता का नाम विष्णु ठाकुर था। ऐसा कहा जाता है कि हर बड़े एम्पायर की शुरुआत छोटी होती है। मुंबई का पश्चिमी सबअर्ब यानी कि बोरीवली और विरार के बीच का इलाका एक समय बिल्कुल सुनसान रहता था और वहां पर आबादी लगभग नहीं के बराबर होती थी। धीरे धीरे जब मुंबई शहर अपने विस्तार की ओर गया तो सबसे पहले वेस्टर्न सबअर्ब ही डेवलप हुआ। वहाँ पर बिल्डर्स अपार्टमेंट्स बनाने लगे और जिन मिडिल क्लास लोगों को फैमिली के साथ मुंबई में रहने में दिक्कत होती थी, वह वेस्टर्न सबअर्ब यानी कि वसई विरार की ओर रहना शुरू कर दिए। लेकिन इधर रहने में एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वह थी पानी की किल्लत। भाई ठाकुर ने यहीं पर अपना दिमाग चलाया और पानी के टैंकर्स का बिजनेस शुरू किया। इतना ही नहीं, वहां पर पानी के बढ़ती डिमांड के साथ साथ वह इसकी कालाबाजारी भी करने लगा और आर्टिफिशियल रूप से पानी की किल्लत उत्पन्न करने लगा। इससे उसके बिजनेस में भारी मुनाफा होता गया और धीरे धीरे जयेंद्र ठाकुर उस इलाके का भाई ठाकुर बन गया। बीतते वक्त के साथ साथ अब भाई ठाकुर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी आ गया। यहाँ वह ऐसे कई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया जो लीगल नहीं था, बल्कि उस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। उसका रुतबा इतना ज़्यादा था कि कोई उसके विरोध में बोलने वाला भी नहीं था, इसीलिए उसके धंधे में दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि होती चली गई। ये 80 और 90 के दशक के उस दौर की बात हो रही है जब मुंबई शहर में अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। भाई ठाकुर के वसई विरार इलाके में उसके बढ़ते दबदबे ने उसे मुंबई के माफियाओं की नज़र में भी ला दिया और इनमें से कितनों की ही दोस्ती भाई ठाकुर के साथ हो गई। इस दोस्ती का सबसे बड़ा फायदा उठाया गया स्मगलिंग वाले कामों के लिए। समंदर के रास्ते जितने भी सामानों की स्मगलिंग होती थी उसमें से एक बहुत बड़ा रोल भाई ठाकुर का भी होता था, जिसके लिए उसे भी कुछ हिस्सा दिया जाता था। भाई ठाकुर का रुतबा अब वसई और विरार के इलाके में कुछ ऐसा हो चला था कि उसके आगे कोई था ही नहीं। ऐसे ही स्मगलिंग वाले कामों के दौरान एक गैंगवॉर हुई जिसमें भाई ठाकुर के एक आंख पर चोट लगी और उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जब एक नाम ऊपर आना शुरू होता है तो उसके कॉम्पिटिशन में दूसरा नाम भी खड़ा होता है। इसके बाद शुरू होती है बादशाहत की लड़ाई। इसी बादशाहत की लड़ाई में साल 1989 में भाई ठाकुर ने सुरेश दुबे और निजाम अंसारी का मर्डर करवा दिया। इस मर्डर केस में उसे जेल की सजा भी हुई। सुरेश दुबे के मर्डर की एक अलग कहानी है जिसे हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। 80 का दशक खत्म होते होते भाई ठाकुर अब सक्रिय अपराध की दुनिया से थोड़ा थोड़ा हटने लगा था और वह अपने भाइयों को पॉलिटिक्स में उतारना शुरू किया। साल 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसके बड़े भाई हितेंद्र ठाकुर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टी टिकट दिया और भाई ठाकुर के सपोर्ट की वजह से वह उस चुनाव को जीत भी गया। अब तो उसके हाथ में अनलिमिटेड पावर आ चुकी थी क्योंकि भाई साहब अब विधायक बन चुके थे। इसके बाद के दिनों में वह वीवा ग्रुप नाम से एक कंपनी भी खोले जो उनके कंस्ट्रक्शन के काम को देखती थी। जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर के बड़े भाई विधायक हितेंद्र ठाकुर ने कुछ सालों के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और साल 2009 में अपना खुद का एक पार्टी बना लिया। इसका नाम रखा गया बहुजन विकास आघाड़ी। इसी पार्टी के टिकट पर भाई ठाकुर के अगली पीढ़ी ने भी राजनीति में दस्तक दिया और साल 2009 के विधानसभा चुनाव में हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर भी विधायकी का चुनाव लड़े और जीत गए। अभी भी वसई विरार के एरिया से लेकर पालघर के बोईसर तक भाई ठाकुर का ही इलाका माना जाता है। हालांकि इन एरियाज में चुनावी समीकरण लगातार बदलते रहते हैं। साल 2021 के जनवरी महीने में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि PMC बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने मुंबई के मीरा भयंदर वसई विरार इलाकों में रेड मारी थी। ईडी की टीम वीवा ग्रुप के मालिक और पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर और जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर के 6 ठिकानों पर रेड मारी। वीवा ट्रस्ट और इसका ग्रुप कंपनीज अंडरवर्ल्ड डॉन भाई ठाकुर के फैमिली मेंबर्स द्वारा ऑपरेट और कंट्रोल किया जाता है।
भाई ठाकुर लगातार कई मामलों में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन हर बार उसे जमानत भी मिल जाती है। भाई ठाकुर अभी भी जिंदा है और वह अपने घर यानी कि विरार में रह रहे हैं। तो यही थी वसई विरार में रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर की पूरी कहानी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।